घरेलू हिंसा की शिकार पीड़ित महिलाओं के लिए 181 टोल फ्री नंबर वरदान साबित हुआ है, जहां इस नंबर पर न सिर्फ महिलाओं ने मदद मांगी बल्कि इस नंबर से ही घरेलू हिंसा की शिकार पीड़ित महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर का रास्ता भी मिला। केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा सखी वन स्टॉप सेंटर यूं तो पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है, लेकिन जब से इस योजना के तहत 181 टोल फ्री कॉल सेंटर को जोड़ा गया है, तब से घरेलू हिंसा की शिकार पीड़ित महिलाओं के लिए इस सेंटर पर पहुंचना या उनसे मदद की दरकार करना बेहद आसान हो चुका है। इतना ही नहीं, जो महिलाएं सीधे तौर पर इस सेंटर पर नहीं पहुंच पा रही हैं, उनकी जानकारी 181 से होते हुए पोर्टल पर दर्ज होती है और वहां से यह महिलाएं वन स्टॉप सेंटर तक पहुंचती है, जिसके बाद इस सेंटर के काउंसलर इन पीड़ित महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें मदद उपलब्ध करवाते हैं। हाँ मैम, वन स्टॉप सेंटर जो है महिला बाल विकास विभाग का एक ऐसा कार्यालय है जहां पर एक ही छत के नीचे हिंसा पीड़ित महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायताएँ प्रदान की जाती हैं। उसमें एक सहायता जो है वो न्यायालयीन सहायता भी है और परामर्श सहायता है, आप सभी जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो अभी जो अगर आप लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण काफ़ी बढ़े हैं, हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो हमको समझ में आई है वो आई है महिला हेल्पलाइन, जो महिला हेल्पलाइन 181 है, इसका प्रचार प्रसार हम लोगों के द्वारा, शासन के द्वारा बहुत किया गया और नो डाउट इसमें हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी सर डॉक्टर सी एल पासी सर, कलेक्टर महोदय, आदरणीय सी ओ सर, ए डी एम सर और हमारी संयुक्त संचालक डॉक्टर संध्या व्यास मैम जो महिला बाल विकास की संभागीय संयुक्त संचालक है, इन लोगों ने और डायरेक्टरेट लेवल पर मध्य प्रदेश स्तर पर सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि FM में आप इस चीज़ को सुन सकते हो कि आप वन स्टॉप सेंटर से संपर्क करो और 181 पे कॉल करो। चूँकि ये थाना नहीं है, थाने से इतर है, तो सामान्यतः लोग जो थाने जाने से डरते हैं वो वन स्टॉप सेंटर में आ जाते हैं। और 181 महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर होने की वजह से लोग उस पर लगाते हैं, कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं और फिर उसके बाद वो जो 181 की जो कंप्लेंस होती हैं वो भारत सरकार का सखी डैशबोर्ड एक होता है उसमें वो ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाती हैं। तो यदि महिला हम तक नहीं भी पहुंच रही है डायरेक्ट, तो वो 181 की जो डेली अपडेट होती है हमारे पास, तो एक लिस्ट ऑनलाइन MIS पे पोर्टल पर हमको मिल जाती है। तो हम लोग सखी डैशबोर्ड से उन नंबर्स वो महिलाओं को अपने पास नोट डाउन करके फिर हम संपर्क करके महिला के पास जाते हैं। तो 181 एक बहुत बड़ा रीज़न समझ में आ रहा है जिसके प्रचार प्रसार से महिलाएं अपनी हेल्प के लिए शासन तक पहुंच रही हैं। 2020 और 21 वित्तीय वर्ष में यहां कुल शिकायतें 1264 थी, वह महज 2021 और 22 वित्तीय वर्ष के 4 माह में बढ़कर 695 हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि इन सभी शिकायतों में 80% तक शिकायतें घरेलू हिंसा की थी, जिनमें अलग अलग फोरम पर महिलाओं को मदद उपलब्ध करवाई गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए मतलब इसको तो आंकड़े ही कहते हैं कि सीधे मैं क्या बोलूं। मैं आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर बताऊं तो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 1264 केस दर्ज हुए थे और अभी अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 4 महीने में ही हमारे पास 695 केसेस दर्ज हुए हैं। तो आंकड़े ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन में जो वन स्टॉप सेंटर में पंजीबद्ध हुए हैं केसेस वो बढ़े हैं और इस 695 में जो 181 महिला हेल्पलाइन है उस महिला हेल्पलाइन के केस 348 है, मतलब 50% का जो आंकड़ा है वो महिला हेल्पलाइन की मदद से महिलाओं ने संपर्क किया है। तो ये केसेस आए हैं इतने। इन केसेस में जो घरेलू हिंसा के प्रकरण हैं नो डाउट काफ़ी हैं। अगर अपन परसेंटेज देखें तो जो अन्य केसेस होते हैं उनका 10-20% ही होता है जो अपन कह दें कि घरेलू हिंसा के नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पारस्परिक संपत्ति विवाद है या फिर कुछ ऐसे है जैसे कि कहीं झगड़ा हो गया है या रेप केस है, भगवान ना करे ज़्यादा रेप केस आए, हम लोग भी यही कहते हैं ना आए, लेकिन एक आध रेप केसेस भी हैं या फिर एसिड अटैक की धमकी भी है, इस टाइप के भी केसेस आए हैं और घर से निकाल दिया गया है। छेड़खानी के बहुत ज़्यादा केस नहीं आए हैं बट पॉक्सो के आए हैं, पॉक्सो का एक केस आया है मई में ही, लॉकडाउन में ही हम लोग के पास आया था। तो इस प्रकार से केसेस बहुत आ रहे हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम 80% केसेस जो हैं वो घरेलू हिंसा के प्रकरण दर्ज हुए हैं और लॉकडाउन में वृद्धि दिखाई दी है, आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन में वृद्धि दिखाई दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी सुविधाओं के साथ इस सेंटर तक पहुंचने के लिए 181 टोल फ्री का उपयोग ज्यादा कारगर होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।